क्या लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा यूपी निकाय चुनाव का असर? बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए आखिर किस तरह बनाई रणनीति? लोकसभा चुनाव में किस वोट बैंक पर रहेगी खास नजर? देखिए इस मामले में क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं D24x7 लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जहां बीजेपी तैयारी कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है। निकाय चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने धुआंधार प्रचार किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है, और इसलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। निकाय चुनाव के नतीजे से बीजेपी इतनी उत्साहित है कि अब साफ तौर पर पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होगा, पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके लिए बीजेपी संगठन अपनी तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कुर्सी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका यूपी में अगर किसी की होनी जा रही है तो सीएम योगी की होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली, उसमें भी सीएम योगी के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया, और फिर उसके बाद जो भी उपचुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के, उनमें एक दो सीट को छोड़कर ज्यादातर में बीजेपी को जीत हासिल हुई। यूपी की जनता ने कहीं ना कहीं सीएम योगी और उनकी सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही वोट किया। फिर जो निकाय चुनाव हुआ, उसमें भी सीएम ने एक तरफ जहां धुआंधार प्रचार किया, तो वहीं सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया। उसी का असर ये रहा कि बीजेपी 17 नगर निगमों में जीतने में कामयाब रही। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। यही वजह है कि 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोकसभा के सांसद वोटर से संपर्क करेंगे और संवाद भी करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, वह लोगों को बताई जाएंगी। बीजेपी के का खास फोकस उस लाभार्थी वोट बैंक पर है, जिसे तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी अलग अलग लोकसभा सीटों पर रैली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को क्षेत्रीय और जिला कार्य समिति की बैठक भी 25 मई तक होनी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठा देते, तब तक कार्यकर्ता आराम करने वालों में से नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी पूरे देश में कई अभियान शुरू करने जा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण महासंपर्क अभियान है। इसके जरिए एक एक वोटर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उन्हें अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी पूरे देश में कई अभियान चलाएगी, उसमें कई अभियान है जो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, घर घर जाकर उनको उपलब्धियां बताई जाएंगी। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। 25 जून को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जाहिर है बीजेपी को निकाय चुनाव में जो जीत मिली है, उससे पार्टी बेहद उत्साहित है और अब उसने अपना अलग लक्ष्य मिशन 80 को पाने की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। कुछ राजनीतिक जानकार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 पर निकाय चुनाव में आए नतीजों पर अपनी राय रखी है। तो आइए जानते हैं कि राजनीतिक जानकार ने क्या। लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रवि कांत का कहना है कि जिस तरह से निकाय चुनाव के रुझान बीजेपी की तरफ से दिखे, उसे साफ है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मोरल बूस्ट होगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक मजबूत सूबा है और यहाँ अगर निकाय चुनाव में पिछली बार की तरह बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन है, तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा होगा, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कर्नाटक बीजेपी के हाथ से जा रही है।
और संभव है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उस तरह का कमाल न कर पाए और कमजोर हो तो उसको फायदा उत्तर प्रदेश से ही पहुंचेगा। इस निकाय चुनाव का सबसे ज्यादा नुकसान सपा को हो रहा है क्योंकि अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और बीएसपी में शिफ्ट हो सकता है। अगर समय के साथ वोटिंग पैटर्न को चेंज करना है तो ये देखना होगा कि उसके लिए विपक्ष की क्या तैयारी है। बीजेपी के पास अभी अगड़ी और पिछली जातियों के साथ ही अल्पसंख्यकों का वोट बैंक भी है। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है तो उसकी नैया पार हो सकती है। अगर अमेठी से खड़गे को चुनाव लड़ाया जाता है तो बड़ा संदेश जाएगा और 2009 की तरह रिजल्ट आ सकता है। ये तो तय है कि इस निकाय चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान सपा को हो रहा है और बीजेपी मजबूत हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत पाठक ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के 16 मेयर बनते हुए दिखे ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बेहतर संकेत है। सूबे की सरकार के कार्यों, नीतियों और नेतृत्व को जनता ने पसंद किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश मुख्य राज्य है। यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और इस सूबे से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। देश की राजनीति का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले निकाय चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने किया है और जो रुझान आए हैं निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है। उनका कहना है कि कर्नाटक में पिछले 38 सालों में कोई भी सरकार कंटिन्यू नहीं रही, किसी भी पार्टी ने रिपीट नहीं किया। ऐसे में बीजेपी के हाथों से यहाँ की सत्ता खिसकने का अगले साल के लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि केंद्र के खिलाफ अभी कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। यूपी निकाय चुनाव का सबसे ज्यादा नुकसान सपा को होगा क्योंकि उसका नेतृत्व हवा हवाई है जबकि कैंडिडेट ठीक है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश में जमीन आसमान का अंतर है। अजीत पाठक कहते हैं कि निकाय चुनाव हमेशा स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और उसमें वोटर्स के लिए स्थानीय चेहरा महत्वपूर्ण होता है जबकि लोकसभा चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियां करती हैं, अलग अलग अभियान चला रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। तो बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ, देखते रहिए पल पल की अपडेट।